रीवा ने मारा ईशान को थप्पड़, ईशान की सुहागन बन सभी ने की पूजा। दोस्तों, सीरियल गुम है किसी के प्यार में आ रहे हैं ढेर सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स, जहां आने वाले एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा कि ईशान ने सारी सच्चाई बता दी है रीवा को। ऐसे में रीवा की पैरों तले जमीन खिसक चुकी है। रीवा को समझ नहीं आ रहा कि आखिर वो करे तो करे क्या। ऐसे में उसका सारा गुस्सा फूट जाता है ईशान पर। वो ईशान को थप्पड़ मारती है, धक्का देती है और कहती है कि तुमने ये सब क्या कर लिया। ऐसे में बुरी तरह से टूट चुकी है रीवा। यहाँ पर अक्का साहिब कहती है कि मैंने पहले ही कहा था कि सभी सब कुछ बर्बाद कर देगी, आज उसने कर दिया। रीवा, मैंने तुझे पहले ही कहा था कि सभी को ईशान से दूर रख। रीवा, मैंने तुझे पहले कहा था कि ईशान को सभी से दूर रख। वहीं आने वाले एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा कि सभी गई है मंदिर। इस मंदिर में चल रहे हैं सुहागनों की पूजा और पंडित जी कहते हैं कि ये जो पूजा करता है उस पर कोई भी मुसीबत आती है वो दूर हो जाती है। ऐसे में अब सभी सोच रही है कि मैंने शादी कर ली है ईशान सर से, और जब मैंने शादी की तो ताई ठीक होने लगी, मुझे उनके लिए सब करना ही पड़ेगा। और इस पूजा में भी बैठ जाती है सभी। अब देखना होगा क्या सभी और ईशान हमेशा के लिए हो जाएंगे एक, क्या ये शादी कर लेगी सभी एक्सेप्ट। क्या लगता है आपको, कमेंट्स में बताइए और सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को।